मनुख जीवद भविष्य की चिंता विच, मनुख जीवद भूतकाल दियां यादां विच, मनुख वर्तमान विच क्यों नहीं जीवदा, उसका भी मैं थोड़े सामने कारण रखदा। मनुख नूं जीण वास्ते बहुत लंबा समा चाहिदा है, काल बहुत लंबा चाहिदा है, तो भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। मनुख दियां यादां ते मनुख दियां चिंतावां ते आसावां ते कामनावां नूं जीण वास्ते समा ते चाहिदा है, तो भूतकाल ते बहुत लंबा है, बड़ा लंबा है, और भविष्य भी बहुत लंबा है। असी कदों पता नहीं चले सी, कदों परमात्मा तो एक शब्द होया सी और धुंध बन गई सी, और धुंध कदों पानी बने, वो पानी कदों ठोस जीवन पत्थर बनया, मिट्टी बनया, वनस्पति बनया, पशु पक्षी बने, मनुख बने, ये तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख भूतकाल दियां यादां विच जीवना चाहता है, क्योंकि भूतकाल बहुत लंबा है, तो भविष्य भी बहुत लंबा है। एदियां योजनावां, एदे प्रोग्राम, एदियां कामनावां, एदियां इच्छावां, इहदे लई ते फिर भविष्य चाहिदा और बहुत लंबा चाहिदा। तो मनुख जिथे बैठा होया, बाजार च बैठा है, परिवार विच बैठा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठा है, भूतकाल दियां यादां विच, भविष्य की चिंता विच, काल चिंतन विच बैठा है, अकाल चिंतन विच नहीं, काल का चिंतन चल रहा है, अकाल चिंतन नहीं। अकाल चिंतन पे समाधि है, अकाल का चिंतन समा खो जाएगा, भूतकाल खो जाएगा, भविष्य भी खो जाएगा।